आपके इंटरप्रेट टेक के कॉर्नर नए एपिसोड में, जहां मैं भी आपको रोजाना टेक खबरों के बारे में बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी खराब चीज है एटमॉस्फेयर के लिए, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। तो अगर हम लोग एफिशिएंट तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होने वाली है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया एक प्रोसेस जिससे हम लोग ये आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है हम लोग के अराउंड, उसको क्या करते हैं, एक चेंबर में ले जाते हैं और उस चेंबर में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। उस वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो जब कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो गया तो लिक्विड इकट्ठा कर लेते हैं, और नेक्स्ट चेंबर में क्या होता है कि ये जो लिक्विड होता है इससे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गैस के फॉर्म में। अभी जो गैस एक्सट्रैक्ट होती है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे हम लोग आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यार मैं आपको रिएक्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कैथोड से क्या होता है, एनोड से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड से क्या होता है, बट मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डुबाते हैं तो उससे समझ लीजिए आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। अब यार हाइड्रोजन आजकल ज्यादा फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल कर नहीं सकते। वैसे तो एक हुंडई की गाड़ी आई है जो हाइड्रोजन को फ्यूल इस्तेमाल करके चल सकती है, बट हाइड्रोजन इतना स्टेबल फ्यूल नहीं है, इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं होता है जिससे हम लोग हाइड्रोजन को डायरेक्टली यूज कर पाए फ्यूल में। तो इमेजिन करिए इस हाइड्रोजन से हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जो बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह होते हैं। तो यार समझ लीजिए ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने हैं, अगर हम लोग इस्तेमाल कर सके अपनी गाड़ी में, और वो गाड़ी से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऐसे प्रोसेस करके हम लोग ऐसे फिर से हाइड्रोजन बना पाए, तो कितना एफिशिएंट प्रोसेस होगा। एक साइकिल है बेसिकली प्रोसेस की, जिससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर हम लोग ये प्रोसेस मास प्रोडक्शन कर पाए हाइड्रोजन का, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या सोचना है आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।